ये हिंदुस्तान है, धर्मशाला थी कभी, कोई भी उठा कुछ भी कर दिया, आज ये हिंदुस्तान की सुरक्षा, हिंदुस्तान की सुरक्षा, मातृभूमि की सुरक्षा, हमारी सबकी सुरक्षा, ये आज का हिंदुस्तान है। ना आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख में आंख मिला करके बात करेंगे। साथ में अदिति त्यागी। तो भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक तरफ तनाव के चरम पर होने की खबर, और इस सब के बीच आपको ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं कि भारत ने सख्त रुख अख्तियार किया तो चीन यू टर्न लेने के लिए मजबूर हुआ। कल तक चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग धमकी दे रहे थे युद्ध की, बैटल प्रिपेयरनेस की बात कर रहे थे, अब चीन को बातचीत का रास्ता दिखाई दे रहा है, यानी हिंदुस्तान ने तेवर दिखाए। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो चीन को समझ में आ गया, भारत जब फ्रंट फुट पर आया तो चीन बैक फुट पर गया। इसीलिए ताजो के स्पेशल एडिशन इस सवाल के साथ, क्या भारत से जंग लड़कर कोरोना का कलंक मिटाना चाहता है चीन? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह होना चाहिए कि किस तरह से भारत के आक्रामक तेवरों के सामने चीन सरेंडर को मजबूर हो गया। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देती हूँ, हमारे साथ एमएस बिट्टा जी हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, हमारे साथ पूर्व राजनयिक फुनचुक तोपदान हैं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान हैं, शहजाद पूनावाला को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राइट विंग की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, चेतन सिंह आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, और साथ ही आपको इस वक्त स्क्रीन पर जेनिफर जेंग दिखाई दे रही हैं, वो ऑथर हैं और ब्लॉगर हैं और चाइनीज इनसाइडर खुद को बुलाती हैं। जेनिफर वेलकम, you are on the largest, one of the largest news networks in India. Thanks for joining us again. I'll come to you. First, I'll take a very quick reaction with another guest of mine. Bitta ji, ek baat to saaf hai, jis tarah se Hindustan ne aggressive posturing ka jawab jo tha, wo aggressive posturing ke saath diya, 24 ghante mein China ki bhasha, ravaiya, sab kuch badal gaya. Hindustan nahi hai. Ek Indira Gandhi thi, jisne Pakistan ke do tukde kiye the. Aur uske baad, आज ये वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक ही मकसद है, मत इस चीज की तरफ जाइए बीजेपी, भूल जाए थोड़ी देर के लिए, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करना, बार बार आपके सामने डिबेट पे कहता हूं, एक ही मकसद है कि मातृभूमि की सीमाओं की सुरक्षा करना, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान से लेके चाइना से लेके नेपाल, तो हमारा छोटा भाई है, श्रीलंका तक, बांग्लादेश तक आ करके सबसे अपने रिश्तों को सुधारा, किसी से उन्होंने झगड़े की बात नहीं की। आज इमरान नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बात करता है, सवाल आई चाइना की, हमने तो कुछ नहीं किया, चाइना की तरफ से पहल हुई पिछली बार, उस वक्त हमारे जवानों ने किस तरीके से मुकाबला करके हाथों से मुकाबला किया, बंदूक से नहीं, भगाया, चाइना भागा, आज फिर चाइना आया पीछे, फिर हमारे जवानों ने उनको हाथों से भगाया, बंदूक से नहीं, अब वो जवान ले आया, अगर वो 500 जवान लेके आया तो हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा फोर्सेस को खुली छूट है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने 10,000 फोर्स को खड़ा कर दिया, कुछ भी रिजल्ट निकले ये बाद में देखेंगे, पर भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा, ये कोई धर्मशाला नहीं है हिंदुस्तान, कोई श्रीलंका से आ जाए, कोई पाकिस्तान से आ जाए, कोई नेपाल से आ जाए, कोई बांग्लादेश से, बांग्लादेश के बॉर्डर भी हमने सारे बंद कर दिए, ये हिंदुस्तान है, धर्मशाला थी कभी, कोई भी उठा कुछ भी कर दिया, आज ये हिंदुस्तान की सुरक्षा, हिंदुस्तान की सुरक्षा, मातृभूमि की सुरक्षा, हमारी सबकी सुरक्षा, ये आज का हिंदुस्तान है।
तो हम नहीं चाहते जंग, जंग कौन चाहता है? क्या हम पाकिस्तान से जंग चाहते हैं? क्या हम चाहते थे या चाहेंगे? हम कभी किसी मुल्क के साथ हिंदुस्तान जंग नहीं चाहता है। हिंदुस्तान चाहता है कि मजबूत रिश्ते रहे, मजबूत देश रहे, वो भी रहे इधर भी रहे, पर हमारी मातृभूमि की तरफ आंख उठा के कोई मुल्क देखता है उसकी आंखें निकालने के लिए आज की हिंदुस्तान की फोर्स में आज हमारे के अंदर एक शक्ति ताकत है कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। आप डिबेट से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपको उस वक्त मौका नहीं दे पाई थी, लेकिन आपने स्तोपदान जी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, इसमें रोल तो अमेरिका का है। एक बात देखो, इनके राजनीतिक बड़े अच्छे एक्सपर्ट है, फॉरेन अफेयर के बड़े अच्छे, हमारे से बहुत कई गुना ज्यादा, कादियन साहब ये, इनको एक्सपीरियंस, इनके अलग एक्सपीरियंस, हमारे अलग है, पूनावाला साहब हमारे अलग एक्सपीरियंस है, राजनीतिक एक्सपीरियंस है, टेररिज्म के ऊपर है। हम फिर कहें कि जब बांग्लादेश के टुकड़े हुए, पाकिस्तान के टुकड़े कराए, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या बोला था पार्लियामेंट के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, ये आज की दुर्गा है, तो हमें कहने में क्या क्या तकलीफ है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योद्धा है जिसका हम भी मजाक उड़ाते थे। हो सकता है मैं भी उसमें शामिल हूं, जब पूरे देश को छोड़ करके पूरी दुनिया में घूमते थे, हमने कहा हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, पहले प्रधानमंत्री देखे। आज पता चला, चाहे वो 370 धारा हुई, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, चाहे पाकिस्तान से कोई भी जंग हमारी हुई, चाहे आज चाइना का है, हमने राष्ट्र को 5 साल के अंदर, उन्होंने भारत माता की सीमाओं की और दुनिया के अंदर अपने रिश्तों को मजबूत किया है। उन्होंने राजनीति नहीं की है, राजनीति चलेंगी पॉलिटिकल पार्टियों में, वो चलती रहेंगी, वो नहीं हटेंगी। हमारे हिंदुस्तान के कौन है फॉरेन मिनिस्टर जो काबिल थे, जो पॉलिटिशियन नहीं थे, उनको किया। नरसिम्हा राव जी ने किसको किया था? उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह को, फाइनेंशियल पोजीशन। हमारा जो आज का मकसद नरेंद्र मोदी जी का फर्स्ट जो उनकी प्रायोरिटी है वो है प्रथम राष्ट्र और भारत माता की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा। अगर फर्ज करो, पहली बात तो जंग हिंदुस्तान चाहता नहीं, पर 5 साल का अगर रिकॉर्ड निकाल ले, हमने दुनिया से अलग अलग हथियार, अलग अलग प्लेन, जंग के लिए हमारी हर चीज तैयार खड़ी, हम जंग नहीं जाते, पर सीमाओं की सुरक्षा के लिए, भारत माता की सुरक्षा के लिए, आपके सामने ये सारी तस्वीर है, उस तरफ ही हम तैयार खड़े हैं। पर हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या सीपीएम हो या सीपीआई हो, जहां राष्ट्र का सवाल आ जाए, मातृभूमि की सीमाओं की सुरक्षा का सवाल आ जाए, भूल जाए सब छिकवे गले। जनाब आज तो हम सब मानव बम बन चुके हैं, कोरोना के ऊपर किसको हो जाए, रहेगा या नहीं रहेगा, उससे ये होगा अच्छा मरने से। अगर कोई युद्ध की बात आती है तो हर आदमी खड़ा हो कि जवान के साथ हम खड़े, हम मरना तो है पर राष्ट्र के लिए हम अपना जीवन कुर्बान करेंगे, ये हमारी सबकी पॉलिसी होनी चाहिए। जंग बुरी है, पर अगर कोई पहल करता है जैसे पाकिस्तान की तरफ एक चलती सोच चलाते, हम सोच चलाने के लिए तैयार खड़े हैं। ये हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये हमारी सुरक्षा की, ये नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी है, मत इसको लेको को बीजेपी है। अगर कोई ये मुझे कहे कि मैं बीजेपी की बात करता हूं, मेरे सामने कराइए, मैं जवाब देता हूं उसको। देश पहले है, हम क्या है, आज नहीं तो कल जाना है। तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे, भारत मां तू हमेशा अमर रहे। पार्टियां पूटियां क्या होती हैं, आती जाती हैं पार्टियां, हारते जीतते रहते हैं। प्रथम राष्ट्र, उसकी रक्षा नरेंद्र मोदी जी ने की है, करेंगे और करते रहेंगे। आदित्य जी, जो बिट्टा साहब कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राजनीति के ऊपर राष्ट्रनीति को रखिए, पर दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे देश का आर्मी चीफ सड़क का गुंडा है, बाजवा सोना मुंडा है, जाकर झप्पी पाते हैं वो बाजवा के पास। ये वही कांग्रेस पार्टी है। जब अब मैं आपको एक कांग्रेस पार्टी के लीडर का स्टेटमेंट दिखाता हूं, मैंने आपको बताया अधीर रंजन चौधरी का तो ट्वीट डिलीट करा दिया, ये अशोक स्वेन, ये कांग्रेस पार्टी का टिकट उनको ऑफर किया गया था। दर्शकों को उस ट्वीट में सेना की तारीफ की गई थी, सबक सिखाने की बात की गई थी चीन को। जी जाते जाते बिट्टा सर, 30 सेकंड्स है मेरे पास, प्लीज 30 सेकंड्स में क्लोजिंग कमेंट आपका ले रही हूं। सर मैं एक बात कहूं, ये आज हिंदुस्तान एक बच्चों का खेल नहीं है कि हम मीडिया के ऊपर आके कुछ भी बोल दें, ये बच्चों का खेल नहीं है। एक तरफ कोरोना है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ सरहदें हैं, एक तरफ जवानों पे गोलियां, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ चाइना है, ये हिंदुस्तान जनाब बच्चों का खेल नहीं है। कुछ भी चैनलों के अंदर आके बोल दें,
हमें हर चीज को सोच के विचार के प्रथम राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे आसपास के रिलेशन अच्छे नहीं है, हम परवाह नहीं करते। हमने हर घर में जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने संबंधों को अच्छा बनाया, अगर कोई पीठ पे छुरा मारते तो हम क्या करें। पर 14 बॉर्डर चाइना के साथ, 12 हमारे साथ है, कभी ऐसा पहली बार तो वक्त आए ना, आया तो कोरोना से मरने से सबसे पहले इधर तैयार होंगे, दुनिया तैयार होगी, भारत अकेला नहीं है। ये याद रखो, हमें भारत में सारी पॉलिटिकल पार्टियों को पंजाब की तरह कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई एक होना चाहिए, प्रथम राष्ट्र को लेके। ये देश तो कभी कमजोर हो सर, आप प्रथम राष्ट्र की बात करते हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात आप कैसे समझाएंगे? तमाम डिबेट्स में आप आते हैं, मोदी विरोध में वो देश हित अक्सर भूल जाती है। बहरहाल मेरे पास समय इतना ही है।